मिस्टर फैजू ने डिलीट की अपनी लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मिस्टर फैजू के चैनल पे आ चुका है स्ट्राइक। सो गाइस, फैजू के चैनल को एक खतरा हो चुका है। बिकॉज गाइस, हम आपको बता दें कि आपको पता ही होगा अगर आपने वीडियो देख ली होगी टाइम से, डिलीट होने से पहले, कि मिस्टर फैजू ने आज अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाली थी जिसमें फैजू ने एनिमल मूवी के कुछ सीन्स थे उन पर रिएक्शन दिया था। तो उन सीन्स को फैजू ने अपने वीडियो में साफ साफ दिखाया भी था, जिस वजह से मिस्टर फैजू के चैनल पर स्ट्राइक आ गया। सो गाइस, स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि आपका चैनल बहुत जल्दी उड़ सकता है अगर आपने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा, अगर आप किसी और की वीडियो, किसी मूवी का सीन या किसी गाने को दिखाओगे। तो मिस्टर फैजू के चैनल पे एक स्ट्राइक आ चुका है, मे बी मेरे हिसाब से बिकॉज फैजू ने वो वीडियो डिलीट कर दी। और गाइस, इससे पहले भी फैजू ने एक और वीडियो डिलीट करी थी जहाँ पर मिस्टर फैजू वर्ल्ड कप देखने गए थे, वो वीडियो भी नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके फैजू के चैनल पर चेक कर सकते हो, वो वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा बिकॉज फैजू ने डिलीट कर दिया है वो वीडियो भी। तो मैंने सोचा वो वीडियो मैं आपको क्या ही बताऊं कि फैजू ने गलती से डिलीट कर दिया हुआ है, क्या ही बताना था। लेकिन गाइस, फैजू ने आज फिर से वीडियो डिलीट कर दिया, यानी कि अब फैजू ने टोटल दो वीडियोस अपने चैनल से डिलीट कर दिया और मे बी दो स्ट्राइक भी हो सकते हैं मिस्टर फैजू के चैनल पर। अगर एक भी स्ट्राइक और आया तो फैजू का चैनल जा सकता है। फैजू कितने सालों की मेहनत, फैजू के इतने सारे सब्सक्राइबर, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन गाइस, फैजू तो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो दोबारा भी चैनल खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर तुरंत ही आ जाएंगे। बट गाइस, फैजू ने ये चैनल पर बहुत मेहनत करी है, तो मैं तो नहीं चाहती फैजू के चैनल को कोई भी प्रॉब्लम हो। तो गाइस, फैजू ने वीडियो डिलीट कर दी, यही मैं आपको बताना चाहती थी। सो गाइस, आप लोग भी दुआ कीजिए कि मिस्टर फैजू के चैनल को अब कुछ ना हो, आगे कोई स्ट्राइक ना आए, क्योंकि गाइस अगर आया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन गाइस, अभी तक फैजू ने खुद ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है कि फैजू के चैनल को ऐसा स्ट्राइक आया, क्लेम आया है। सो गाइस, क्लेम आता तो पूरी वीडियो डिलीट करने की कोई नीड नहीं होती, लेकिन स्ट्राइक आया जिस वजह से फैजू को पूरी वीडियो डिलीट करनी पड़ गई। अब दो वीडियोस फैजू ने टोटल अपने यूट्यूब चैनल से डिलीट कर दी हैं। लेट्स सी, देखते हैं फैजू इस वीडियो को दोबारा डालते हैं या नहीं। लेकिन गाइस, मुझे नहीं लगता ये वीडियो दोबारा आने वाली है बिकॉज वर्ल्ड कप वाली वीडियो भी नहीं आई थी। और गाइस, आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं दिखाते हो। सो गाइस, ये एक मेन रीज़न है, मैं अपनी वीडियो में कम से कम वीडियोस दिखाती हूँ बिकॉज गाइस बहुत स्ट्राइक, क्लेम ये सब होता रहता है। यूट्यूब पॉलिसी चेंज करता जा रहा है, मतलब इतने बड़े इन्फ्लुएंसर पे क्लेम स्ट्राइक कर सकता है। सो गाइस, मेरा छोटा सा चैनल है, मैं फैंस की अपडेट देती हूँ, मैं वो नहीं दे पाऊँ